तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया, जहाँ पे एंड हुआ था कल वहीं से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक्सरे हो रहा है, डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के लिए कहा था। और एक्सरे कराने के बाद हो गया है प्लास्टर पाँव में, और 10 दिन का प्लास्टर हो गया है पाँव में। तो बताती हूँ आपको आगे डॉक्टर ने क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, 12:30 हो गए हैं और आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और प्लास्टर लग गया है, प्लास्टर लग गया है पाँव में। बोल रहे मांस फट गया, हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं है बट मांस फट गया। लेकिन ये कि प्लास्टर करने के बाद अब दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी पोजीशन में आ गया होगा ना। का प्लास्टर हुआ है, 10 दिन के बाद दिखाना है। और परेशानी तो ये है कि कल हन्नू के टाँके कटने जाना है, और उसके पापा तो कटा मतलब ले जाने के लिए तो ले जा लेंगे, बट वो उनसे वो कब बच्चा होता है ना, माँ से ही कंट्रोल होता है, वो बहुत रोता है ये, सो वो हाथ ही नहीं लगाने देगा अगर मैं नहीं रहूँगी। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान ने तो पता नहीं क्या हमारी किस तरह लिखा। तो ये हो गया प्लास्टर, परेशानी नहीं है बट बच्चों को स्कूल से लाने की परेशानी है। तो चलो करना पड़ेगा एडजस्ट, जाना तो पड़ेगा ही, लेने नहीं तो कौन जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी 10 दिन की छुट्टी काट ली अपनी, तो यही होता है ना। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको, खाना ये बना रहे हैं, आज तो छुट्टी इनके, आज ही बना लेंगे, फिर तो मैंने ही बनाना है खाना पीना, तो आज रेस्ट कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पानी वगैरह पी के कपड़े वगैरह चेंज करके, ये कपड़े सुबह धुल गए थे ना, तो मैंने कहा चलो इन्हें तय यूज़ कर दिए होंगे, अरब से मंगा लिए थे मैंने, मैंने कहा चलो आरब में तय मार देती हूँ, आप कपड़े ले आओ। तो कपड़े तय लगा देती हूँ, और काम तो खैर आदमी कर लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत जो अभी है उतना तो नहीं कर पाते जितनी औरतें करती, बट बच्चों को नहीं मैनेज कर पाते। ये 1 घंटा ही बच्चों के साथ रह गए थे, चिड़चिड़ा गए थे, बोले मेरे से नहीं होता ये सब। तो ये होता है आदमियों का ना, खाना पीना बनाने में तो कोई बात नहीं, गए खाना बनाया आ गए, बट लेकिन बच्चे जो बोलते हैं पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, पानी दे दो, ये दे दो, ये ऐसे करना है, इसमें पानी भरना है, इसमें वो करना है, तो इससे आदमी ना थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो बस ये रात का टाइम है, और आटा गूंथ रही हूँ, मैंने कहा आटा मैं गूंथ लूँगी, और इससे पहले की प्लीज छोटी होंगी शायद इसके पूरे में देंगी, और सब्जी भी मैंने काट के दे दी थी, तो खाना को भी मैंने बना लिया था। सो फ्रेंड्स, 9:30 हो गए हैं, और आरब चले गया था स्कूल, मतलब सुबह नाश्ता तो इन्होंने ही बनाया, और रोटी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बच्चे खाते ही नहीं है पता है, क्योंकि होता ही टेढ़ी मेढ़ी, और ये सामान है देहरादून के लिए पैक। तो आरब चले गया था सुबह, और ये भी नहीं जा रहे थे, ये बोल रहे थे 10:30 बजे छुट्टी होगी आजकल उनका, जैसे मैंने बताया हाफ डे ही चल रहा है, उनके प्रोग्राम चल रहे हैं कुछ स्कूल में, तो हाफ डे ही चल रहा है, तो ये बोल रहे थे 10:30 बजे उसे लेके जा, मतलब उसे ला के फिर जाऊँगा ऑफिस, फिर नहीं उन्हें ज़बरदस्ती भेज दी, मैंने कहा 9:30 बजे आप 10:30 बजे उसे लेके आओगे, 11 बज जाएंगे फिर आप जाओगे, 1 घंटा लग जाता है, 12 बज जाएंगे फिर आओगे कब, क्योंकि आज हमें जैसे मैंने बताया आपको कि आज हमें जाना है देहरादून जाना है हन्नू के टाँके कटवाने के लिए, तो फिर मैंने कहा कब आप आओगे कब आप जाओगे ना, तो अगर नहीं जाना होता तब तो खैर मैं कोई नहीं रहने देती। फिर बोली तुम कैसे चलाओगी ये वो, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, क्योंकि हम आरब के साथ ऐसे कि सीधे मतलब स्कूटी में गए, अब स्कूटी में ही रहूँगी, वो आ जाएगा अपने आप बाहर, उसे मैंने बोल रखा है, और सीधे लेके आ गए। हन्नू के साथ थोड़ा ये है कि उसे लेने जाना पड़ेगा, जब अभी तो पता नहीं परसों से आज डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखते स्कूल भेजना है परसों से कि नहीं भेजना है। और मैंने अभी अपने लिए बनाया है पोहा, तो मैंने उन्हें ज़बरदस्ती ही भेजा, मैंने कहा चले जाओ वो जा नहीं रहे थे, और क्योंकि इसलिए भेजा मैंने क्योंकि जो उनके साथ का जो लड़का रहता है उनके साथ वो भी नहीं आ रहा था, तो फिर मतलब होता है यार पेशेंट रहते हैं जैसा हमें इंतज़ार करना पड़ता है वैसे उन्हें भी करना पड़ता है, भले मैं बोलती हूँ कि उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है बट मुझे भी बहुत वैसा लगता है, या तो छुट्टी कर लो, छुट्टी है तो ये है कि पेशेंट को ये रहता है छुट्टी है, फिर आना है इंतज़ार करो आना है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चले जाओ और कर लूँगी मैं एडजस्ट, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, डेली एक दिन तो है नहीं कि एक दिन का है, 10 दिन का प्लास्टर है तो जाना तो पड़ेगा ही, अगर 2 बजे इनकी छुट्टी होती तब तो वो आ जाते टाइम्स मतलब वहीं से आ जाते 2 बजे ना, बट क्या करें टाइम भी ऐसे चल रहा है कि बच्चों का हाफ डे चल रहा है। और अभी मैं नहाई हूँ, पूजा कर ली है और मैंने कहा थोड़ा रेडी शेडी हो जाती, बिंदी भी नहीं लगा सकती यहाँ पर ना, दाना हो रहा है यहाँ पे, दाना हो रहा है बहुत तेज़, तो बिंदी भी नहीं लगाई जा रही है, तो मैंने कहा थोड़ा बीमार सी नहीं रहती हूँ
लिपस्टिक वगैरह लगा दी। मेरे ना एक तो दवाई खाती हूँ तो उससे वीकनेस आती है बहुत ज़्यादा। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, मुझे मेरी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है, तो मुझे ना ये प्रॉब्लम भी होती है। दवाई वगैरह हैवी होती है ना एक तो चलो अपना पोहा इन्जॉय करती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा टाइम हो गया था तो अरब को लेने, जैसे मैंने कहा अरब को लेने जाना है, तो यहाँ पे ना मैं पन्नी बांध के जा रही हूँ क्योंकि फिर ना ये गंदा हो जाता है, बिस्तर में ऐसे ही सोना होता है। तो दो पन्नी बांध दूँगी क्योंकि थोड़ा तो पाँव नीचे रखना ही पड़ेगा, सीढ़ियों में तो नीचे चलना ही पड़ेगा। तो पहले मैं ये वैसे वाली पन्नी बांध दी है मैंने, और इसके बाद में वो कपड़े वाली आती है ना जो मतलब जो वैसे ये वाली, तो ये बांध दूँगी और बस ऐसे ही कुछ दिन तक ज़िंदगी कटेगी। हंसी भी आ रही है मुझे, आप लोग बोलोगे चोट लगी है प्लास्टर में और हंसी आ रही, मतलब क्या करूँ यार, ऐसा भी नहीं है ना कि प्रॉपर रेस्ट भी नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि रेस्ट करूँगी तो फिर बच्चों को लाएगा छोड़ेगा कौन, घर का दिन का खाना बनाना, सुबह शाम तो हस्बैंड बना लेंगे लेकिन दिन का खाना तो बनाना ही है, दिन में जो भी काम होते हैं वो भी करने ही है। तो इसलिए हंसी आ रही है कि मतलब भगवान भी मेरे साथ ऐसा करता है, जब पता है कि इसके साथ कोई नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे और इन्होंने तो मना किया था कपड़े वगैरह मत धुलना, बट धुलने तो थे अपने थे, मैंने कहा चलो सर्फ से ऐसे ही बैठे बैठे मैंने निकाल लिए थे। और आरव हनु की टी शर्ट थी बस, तो बस कपड़े भी डाल देती हूँ, अपने काम तो करने ही पड़ेंगे। तो स्कूल में पहुँच गई हूँ, आरव आ जाएंगे यहाँ पे पार्किंग में खड़ी हूँ। तो आ गई हूँ आरब को लेके, खोल दिए सूज। हाँ। और ये शर्ट ऐसे क्यों निकली है बाहर, छोटी हो गई ना, लानी पड़ेगी। तो आरब को लेके आ गई हूँ और अभी वैसे मेरी सांस चढ़ती है और सीढ़ियों में चढ़ के मतलब पैर की वजह से और ज़्यादा चढ़ने लग गई तो सांस से नहीं जा रही। तो लेके आ गई हूँ आरब को, अब एक घंटा रेस्ट करके 11:30-12 बजे खाना बनाऊँगी, थोड़ी देर बच्चों को सुला दूँगी क्योंकि 3 बजे आएंगे ये, तो 4 बजे तक ही निकला जाएगा हमसे, 4:30 हो ही जाएंगे, तो थोड़ी देर बच्चों को सुला दूँगी, नहीं तो ना फिर ये सोता है हन्नू बाइक में सोता है। और अब तो बस में भी नहीं जा सकती मैं क्योंकि पैर से तो बिल्कुल ही, बाइक में तो एक बार बैठ जाओ बैठ गए, बट बस में तो चढ़ना उतरना मतलब मुश्किल है, तो बाइक से ही जाना पड़ेगा। और फिर आज वहीं रहेंगे अपने घर में, फिर कल आएँगे वापस। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।